फ्रेंड नमस्ते, ट्रैवल डे आउट में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम है संजय, आप सुबह की बढ़िया सुबह रखिए और आप देख रहे हो हमारी चाय बन रही है। भैया जी चाय बना रहे हैं हमारे लिए और हमारा ऑनलाइन बन के रेडी हो रहा है। भैया जी आज हमें साइट सीन करना है, तो थोड़ा बताओ कि अभी जैसे हम जू के बिल्कुल एकदम पास में खड़े हैं, तो हमें पहले जू जाना चाहिए या केव गार्डन चले जाना चाहिए? जूका तो सीधे है भैया, जूका तो ही है। अच्छा उसको आते आप जी हाँ चाहे भैया हमको लौट के आएंगे, लौट के आना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करें, केव गार्डन चल लो, केव गार्डन चल ले पहले। तो उसका यहाँ बोटिंग कर लीजिए, उसका घूम लीजिए, उसका घर को चले जाइए। हाँ ये तो है हमारा प्लानिंग। तो हम सोच यही रहे कि पहले अभी ना केव गार्डन चले जाएँ, उसके बाद में हम बोटिंग करके देन फिर हम सोच रहे हैं जू। बिल्कुल यहाँ से सीधा ऊपर की साइड में ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइन बना हुआ है, यहाँ पे साइन बना हुआ है इधर ब्लू कलर का, और यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है जू के लिए। तो फिर हम जू जाएंगे और आज पूरा दिन यहाँ से हमारा लास्ट डे आज नैनीताल के अंदर, तो उसके बाद में फिर बैक टू दिल्ली। आज हमारा नैनीताल में डे टू है, तो आज हम पहले इको गार्डन और उसके बाद में नैनीताल लेक विजिट करेंगे। टल्लीताल बस स्टैंड से इको केव गार्डन का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 3 किलोमीटर है। इसे आप बाय वॉकिंग कैब या ऑटो भी ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोग विजिट करेंगे नैनीताल लेक। नैनीताल अगर आप विजिट करने आ रहे हैं तो आप 2 दिन की ट्रिप प्लान करिए। फर्स्ट डे के अंदर आप इको केव गार्डन, जू और नैनीताल लेक विजिट कर सकते हैं। सेकेंड डे में आप यहाँ पर लोकल टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 500 से 700 रुपये के अराउंड होता है। अभी हम लोग आ गए हैं केव्स पार्क, केव्स गार्डन आ गए बेसिकली। तो यहाँ पे ना बहुत सारी पुरानी केव्स हैं। बेसिकली ये जो केव्स थी वो 2002 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। बाकी अभी हम अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं कि कैसी हैं केव्स वगैरह। ये रास्ता है जाने का, बाकी सब लोग आगे निकल गए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं केव्स एक्सप्लोर करते हैं मेरे साथ में। पूरे ही हो यार, बोला नहीं मान लिया, कुछ है थोड़ी यार, शेर है। केव्स के अंदर घुसते हुए ये है टाइगर केव। काफी लोग डरते हुए हैं, काफी सारे, अमन भी डर रहा काफी ज्यादा। ये है पूरा थ्रिल, पूरा अंधेरा है, लाइटें लगी हुई है, बट फिर भी ट्रैफिक से जाम है। केव पार्क नैनीताल के वन ऑफ द हिडन जेम्स में से एक है। ये टल्लीताल से अराउंड 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मॉर्निंग सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक इको केव पार्क ओपन रहता है। बाकी यहाँ की जो केव्स फेमस केव हैं, टाइगर केव है, पैंथर केव है, इसके अलावा पॉक्यूपाइन केव जा सकते हैं, बैट केव है वहाँ आप जा सकते हैं, एप्स केव है, ये सारी केव्स जो हैं वन ऑफ द बेस्ट हैं। बाकी बैट केव जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट आपको इतना ही मज़ा आएगा जितनी वो डिफ़िकल्ट है, उतना ही मज़ा उसको विजिट करने में जरूर आएगा। और ये हमारी पूरी की पूरी कास्ट एंड क्रू, पीछे डायरेक्टर साहब तो हमारे बहुत पीछे हैं। डायरेक्टर साहब क्या सिस्टम हो रहा है? मैं तो तेरे पीछे ही हूँ। आओ आओ आओ, ये देख लो हम केव्स के अंदर फंसे हुए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ओहो माय गॉड, ये बाहर आ गए, ऑक्यूपाइन केव आ गए अभी हम, और अंदर जाने की कोशिश करते हुए। कैसा है संजय भाई? सब बढ़िया भाई, अभी तो ये देखो बहुत मजा आ रहा है, पर ये यहाँ से ब्लॉक हो गई यार। अबे ये देखो संजय भाई, हमें कैसे जाना है, हमें एक ऑलरेडी स्टोन गिरा हुआ यहाँ पे और ये साइड पूरा ब्लॉक हुआ है। और ये संचित और अंकित कुछ करते हुए, कुछ क्या करते हुए, फोटो ले यार, तुम चढ़ेंगे कैसे? रास्ता नहीं,
तुमने ना कभी वो नहीं करी क्या? मैंने वो गलत कर दिया, पैर ना मैं यहाँ चढ़ जाऊँ, यहाँ से आ सकता हूँ मैं? आ जा, नहीं, नहीं, पर मैं करूँगा नहीं ऐसे। चल कूद कूद कूद, सीधा कूदियो। अंकित भाग दौड़ मत करियो, आराम से चढ़ियो। और अभी हम लोग हैं बोटिंग पॉइंट के पास में। 210 का एक चक्कर है, तो मैं अभिषेक और अंकित जा रहे हैं बोटिंग के अंदर। एक बोट में 3 लोग अलाउड होते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने। बाकी बोटिंग का सीन मैं आपको अंदर बैठ के थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लेक मीठे पानी की नेचुरल झील है। इसका पानी पीने के यूज में पूरे नैनीताल में यूज होता है। नैनीताल लेक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। लोअर साइड ऑफ द पोर्शन को तल्लीताल के नेम से बोला जाता है, अपर साइड ऑफ द पोर्शन मल्लीताल के नेम से बोला जाता है। एक नकारा माने ना तू क्यों किस्मत का मारा, हमारी चीला और ब्रेड टिक्की। संचित खा रहे हैं। संचित क्या है भाई? ये बहुत बढ़िया चीला, बहुत बढ़िया दिखाते हैं। पनीर आलू स्टफिंग है, बहुत बढ़िया। ये जी देख लो, शाम का टाइम हो गया, 4 बज गए। मुझे लग रहा है आज जू नहीं जा पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग लेट हो गए और 6 बजे की हमारी बस है। 330 हमारा आ गया, और जो खाने का ले रहे हैं वो खाने का हो। अभिषेक भाई कैसा है ये? ठीक है, ओके ओके। शकल से भी ओके ही लग रहा था वैसे। देख लो जी, ये ब्रेड टिक्की लिया है हमने। संचित दिखाई भाई, गिरी ब्रेड टिक्की। ओके ओके लग रहा है, बट चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। नैनीताल माल रोड विजिट करने के बाद में आप विजिट कर सकते हैं नैनीताल की लोकल मार्केट। लोकल मार्केट के पास में आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, चारों चीज़ें एक ही साथ में आपको मिल जाएगी। बाकी आप ये विजिट जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप शॉपिंग करना चाहते हैं लोकल मार्केट से, तो बिल्कुल आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर कुछ लोकल फूड एक्सपीरियंस करना है नैनीताल का, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जाने वाले हैं, यहाँ पे एक मोमो पॉइंट है काफ़ी अच्छा, मोमोज़ की काफ़ी पुरानी शॉप है, तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। उसके अलावा हम और भी लोकल जो फूड है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं नैनीताल का। तो आइए चलते हैं और विजिट जरूर करते हैं मेरे साथ। अभी हमारी एग चाउमीन आ गई है, ये देख लीजिए। वाह यार, बड़ी अच्छी सी लग रही है। वाह लाला, कैसी भाई? संचित कैसी भाई? टेस्ट करके बताता हूँ। बता बता, कैसी है? बहुत बढ़िया। तो मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ हमारी एग चिकन, सॉरी एग चाउमीन। खड़ा रहा तू, और उसके बाद में तेरे को मोमोज मिले मटन वाले, बहुत बढ़िया। ये है मटन मोमोज जो कि फेमस है। आधे घंटे से अंकित लाइन में खड़ा हुआ था इस मोमोज के लिए, अब अंकित खाने वाला है। शाम हो गई है, तो अभी मैं खड़ा हूँ लेक के पास में। ठंडा ठंडा सा मौसम थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाथ में ठंड लग रही है। बाकी होप आपको ये वीडियो उतनी अच्छी लगी हो जितना हमें शूट करने में मज़ा आया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल भी है, तो प्लीज़ आप जाकर के उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए वहाँ पे हम पोस्ट वगैरह भी डालते हैं।